हाँ जी गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मम्मी व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह के करम से मैं अच्छी हूँ, आप सब भी अच्छे होंगे। और ये देखिए, मैं फिर से आपको ले आई हूँ वही मामू के घर पे जहाँ शादी अभी चल रही है। और आज है छोटे वाले भाई की बारात, जिसका नाम मतलब साजिद है, मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था। और ये है आज का मेरा ड्रेसअप, मतलब ये वाला सूट है मेरा, और इंशा का है ये वाला लहंगा मूंगिया कलर का। और ये किसी बात से नाराज है तो यहाँ मैं इसको मना रही थी, गुस्सा हो रही थी किसी वजह से, है ना। फिर यहाँ से रवानगी हमारी हुई मामू के घर, हम जा रहे हैं सब बैठ के भाई के साथ गाड़ी में। ये पास में बैठी है मेरी भाभी, है ना। और हम यहाँ पहुंच गए हैं वापस से नानी के घर पे, मतलब मामू नानी का ही घर कहलाता है क्योंकि ये पुराना वाला घर है। तो हम यहाँ हाँ, तो फिर हम यहाँ आ गए मामू के घर पे। और ये यहाँ छोटे वाले जो हमारे भाई हैं साजिद जिनका नाम है ना, उनके मतलब सेहरा बंधने की पूरी तैयारी हो रही है। और यहाँ अमरी फरहीन जो उनकी बड़ी वाली दो दिन पुरानी हमारी दुल्हन थी, वो भाभी हैं, तो उन्होंने दूल्हे के लगाया काजल, क्योंकि भाभी लगाती है काजल। और यहाँ पर अम्मी और हीना जो है सेहरा बांधते हुए साजिद के, और बड़े अच्छे से माशाल्लाह से ये पुप्पीदान और जो इनकी बहन है वो सेहरा बांध रही है। और अम्मी बड़े उससे बांध रही है कि कहीं बिल्कुल पूरी तरीके से, मतलब अच्छे से। बार बार उससे पूछ रही थी कि कहीं से कुछ फिसल तो नहीं रहा, कहीं कुछ, क्योंकि भारी होता है ना तो ये फिसलता है, इसको पूरा पिनअप करना पड़ता है मतलब अच्छे से। और ये यहाँ माशाल्लाह से देखिए बन चुका है सेहरा। और ये बलाएं लेते हुए हीना अम्मी, और यहाँ गोलू, गोलू इनका प्यार का नाम गोलू है, वैसे साजिद नाम है बट फैमिली में गोलू इनका नाम है। आज इनके थर्ड बार देखिए, इन्हें सॉक्स और शूज भी मतलब कोई और मतलब पहना रहे हैं। और यहाँ मैं आ गई हूँ फैजान के साथ फोटो लेने के लिए। मैंने आपा को बोला मेरा अच्छा सा एक फोटो ले दो गोलू के साथ, मतलब इनके साथ साजिद के साथ दूल्हे के साथ। यहाँ घोड़ी को चने की दाल खिलाने की कोई रस्म होती है जो भी, तो वो अम्मी मतलब वो मुमानी ने खिलाई। फिर यहाँ पर जो है फरहीन के हाथों में, जो हमारी पिछली दुल्हन है उसके हाथों में मैंने गजरे बांध दिए। हाँ, तो फरहीन के हाथों में भी गजरे बांधे हैं क्योंकि फरहीन जो है अब जिठानी है, मतलब फरहीन जो है भाभी बन चुकी है गोलू की, साजिद की। तो भाभियां जो ये उठाती हैं, जो मैंने पिछले व्लॉग में आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था, तो वो फरहीन को उठाना है, फरहीन उठा के चली। और यहाँ पे देखिए माशाल्लाह हमारे साजिद जो है घोड़े पे बैठे हैं, और ये बारात यहाँ हो चुकी है रवाना, है ना। ये हम तीनों बहनें हैं, ये मेरी बड़ी वाली सिस्टर, ये छोटी वाली, देख सकते हैं छोटी वाली बीच में है सोना, और ये मेरी बड़ी वाली बाजी है, मैं इनको आपा बोलती हूँ, है ना। यहाँ पे वगैरह मामू के बेटे और ये सब भाई मेरे हैं, और ये फैजान मेरे साथ खड़े हैं। यहाँ ये आए मेरे छोटे वाले मामू, जो दूल्हे के जो पापा हैं, पीछे है मेरी अम्मी है, उनके उधर पीछे छोटा मेरा भाई है, है ना। तो यहाँ तक हम लोग बारात में चल के, पैदल घर से चल के यहाँ तक थोड़ी दूर तक हम बारात बनाकर लेकर आए, है ना। उसके बाद जो है काफी दूर हमें जाना था, तो फिर यहाँ से फोर व्हीलर में सब लोग वापस से बैठे, है ना। वापस हम फोर व्हीलर में अपने अपने जो है वापस बैठे, क्योंकि इतनी दूर बारात को पैदल लेके जाना मतलब कोई ऐसे नहीं है ना। तो गाड़ी से हम सब गए, यहाँ पर देखिए जा रहे हैं हम गाड़ी में बैठने के लिए। ये छोटी वाली सिस्टर है सोना, ये देखिए कैसे एंजॉय करते हुए, है ना। और अभी बड़ी वाली बाजी उधर है उनके, और हम ये बैठ रहे हैं अब बस गाड़ी में, क्योंकि काफी दूर, थोड़ी मतलब बहुत दूर भी नहीं था, थोड़ी दूर था, तो ये मैं बैठ गई हूँ अब यहाँ पे गाड़ी में। और उसके बाद जो है हम लोग रवाना हुए, और वहां पहुंचकर भी फिर थोड़ी मतलब जो उनका मैरिज हॉल था ना, जो उन्होंने जहाँ निकाह है, वहां थोड़ी दूर हम पहले उतरे, है ना। तो फिर वहां से दोबारा से फिर मतलब सेकंड टाइम फिर से वापस बारात बनी, और बारात बन के वापस से फिर पैदल पैदल हम हॉल तक गए जहाँ मैरिज हॉल मतलब था। ये हमारी कशफ नूर देखिए बारात में चलते हुए इंजॉय करते हुए, और ये मेरा हसनैन, मेरा प्यारा सा भतीजा, और ये हम वापस से तीनों सिस्टर गाड़ी से उतर के फिर पैदल पैदल जो बारात तक गए, ये हम पहुंच गए यहाँ पर हॉल तलक, है ना। और ये फरीन ने ले रखा है सर पे इसको छापड़ा जो भी बोलते हैं, इसमें दुल्हन के कपड़े वगैरह मेकअप का सामान जो भी है वो होता है। देखिए भाई अब भाभी बनी है तो वजन तो उठाना ही पड़ेगा, है ना। तो ऐसे फिर यहाँ पर हो रही है निकाह, है ना। ये गोलू मतलब साजिद बैठे हैं, उनके दोस्त वगैरह बैठे हैं, सब लोग निकाह हो रही है यहाँ पर, है ना। आप देख सकते हैं, देखिए निकाह हो रही है माशाल्लाह से। ये काजी साहब करवा रहे हैं निकाह यहाँ, है ना। सब लोग बैठे हैं देख रहे हैं, और यहाँ दुल्हन के कपड़े वगैरह वापस से दुल्हन के पास ले जाते हैं। और फिर हुआ खाने का टाइम डिनर का, यहाँ हम खाना खा रहे हैं, और यहाँ अमरीन को भी हम लेकर आए। हमारी छोटी वाली जो दुल्हन है, आज की दुल्हन, उनका नाम अमरीन है, जो बड़ी वाली थी उनका नाम फरहीन है, है ना। तो यहाँ इनको भी खाना खिलाने के लिए हम लेकर आए अपने साथ, और बैठा के खाना खिला रहे हैं उनको। तो यहाँ पे बड़ी वाली जो मेरी आपा थी बहुत हंसी मजाक कर रही थी, तो बड़ी हंसी हम लोगों को आ रही थी। वो दुल्हन को बोल रही थी कि खाओ खाओ कोई बात नहीं, आज तो अपने घर में शादी है, तो बड़ी सबको हंसी हम लोगों को आई। और यहाँ वो दुल्हन भी
भी हंसने लगी जोर से, है ना। और ये यहाँ छोटी वाली मेरी सिस्टर और ये गोलू भी दूल्हा जो हमारे हैं वो बैठे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ खाना खाने के लिए। ये मामू वगैरह इधर सब लोग बैठे हैं। फिर कॉफी वगैरह थोड़ी हमने पी और यहाँ विदा की तैयारी के लिए अब बस जाते हुए, है ना, वो पीछे मेरी छोटी सिस्टर खड़ी है और हम जा रहे हैं विदा के लिए। और जैसे ही देखिए दूल्हे का मतलब एक स्टेज जो होता है वो खाली होती है बच्चों की, तो वो हो जाती है, बच्चे फुल इंजॉय करते हैं वहाँ उस स्टेज को, छोटे छोटे जितने बच्चे होते हैं सब। ये यहाँ हो रही है अब अमरीन की विदाई। ये मामू की तीनों बहुएं हैं, ये दो तो नहीं है और एक वो जो बड़ी वाली है, है ना। यहाँ विदाई की गाड़ी जो है जिसमें बैठ के जाएंगे वो आ चुकी है और देखिए विदा हो रही है भाई। अब ये उनकी रिलेटिव्स जो होती हैं चाची मम्मी वगैरह जो भी हैं उनको अच्छे से विदा कर रही हैं। आगे गाड़ी में बैठी हैं हमारी परसों की दुल्हन फरहीन और ये यहाँ फ्रेंड्स वगैरह बहनें जो भी हैं, मतलब लास्ट में होता ही है कुछ ना कुछ कहने में। और ये फरहान जो है आगे बैठे हैं, फरहान के साथ बैठी फरहीन, इधर साजिद के साथ बैठी पीछे अमरीन। और ये फिर हम विदा हम लोगों ने ली और हम लोग पहुंच गए वापस घर पर, है ना, मामू के घर पे। यहाँ पे भाई नई दुल्हन हमारी आई है ना, वेलकम। तो यहाँ बस वही पहले की तरह सर पे मटका रख के वो दरवाजा रुकाई की जो रस्म होती है एक बहनें वगैरह भतीजियां भांजियां ये सब करती हैं, तो ये वापस से यहाँ पर वही चल रहा है बस इंतजार अंदर जाने का, है ना। और ये दुल्हन हमारी खड़ी है और ये हमारी बड़ी वाली दुल्हन फरहीन अमरीन, माशाल्लाह नाम एक जैसे दोनों के मिले हैं, अमरीन फरहीन, है ना। और ये दोनों खड़ी हैं अब ये यहाँ हंसी मजाक होते हुए। ये हीना ने रखा है अपने सर पे वो मटका कलश जो भी होता है। यहाँ वही पिछले वाली वही विदाउट एनी रीजन कोई भी रस्म जो होती है ये मुंह मीठा करवाने वाली, है ना। तो यहाँ पे अमरीन के हाथ में मीठा रख करके गोलू मतलब साजिद को 3 बार खिलाया गया, फिर साजिद के हाथ में रख के अमरीन को 3 बार खिलाया गया। अब ये रस्म जो है भाभी करती है, है ना। तो गोलू की मतलब साजिद की भाभी फरहीन है, तो फरहीन भाई देखिए अपना जो है चार्ज संभालते हुए यहाँ पर जेठानी वाला, एक दिन की जेठानी भाई बनी, इनकी प्रमोशन बड़ी जल्दी हो गया, है ना। यहाँ ये होता है कुछ सलामी वाला जो होता है ये कुछ मतलब रस्म रिवाज जो भी है होता है, तो ये यहाँ पे इस तरीके से 3 बार मतलब ये इस तरह से सलामी करवाई जाती है, सजदा कराया जाता है, अल्लाह जाने क्या है जो भी है। खैर हंसी मजाक वाली एक चीज है। अब ये आ गया है नेक्स्ट डे, है ना। नेक्स्ट डे था रिसेप्शन वलीमा, तो वलीमे में जाने की बस अब हो रही है हम हमारी तैयारी। और वलीमा एक दिन पहले वैसे हो चुका था, एक दिन बाद वो नॉनवेज का था, उसकी क्लिप मैंने नहीं बनाई। और यहाँ मेरी इंशा ये देखिए माशाल्लाह से दूल्हा दुल्हन हमारे दोनों आ गए हैं, चारों मतलब दो दूल्हे दो दुल्हन हमारी आ गए हैं ये चारों। और ये अपने मतलब स्थान ग्रहण करने के लिए जा रहे हैं स्टेज पे, काफी देर तक अब इन लोगों को बैठना पड़ेगा वहां पर, है ना। ये जा रहे हैं माशाल्लाह, देखिए कितने अच्छे इनकी ड्रेसें भी लग रही है। अब यहाँ हो गया वापस से यहाँ पर, फिर है अब खाने का टाइम, सब लोग हम बैठे हैं खाना खाने के लिए। ये पास में मेरी आपा बैठी हैं और मेरे सामने बैठे हैं मेरे प्यारे प्यारे से भतीजा भतीजी कशफ नूर हसनैन, वो बार 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 मेरे से पुप्पी जान हमें ये दो पुप्पी जान हमें वो दो, तो बस उन्हीं के साथ खिला खिला के मैंने खाना खाया। और यहाँ पर फिर कॉफ़ी पीते हुए, कॉफ़ी का टाइम हो गया, ये आपा मेरी बैठी हैं यहाँ पर, है ना। और फिर बस टाइम स्पेंड किया थोड़ा, क्योंकि बातें तो कभी ख़त्म होती नहीं है, है ना, बातें हंसी मजाक। यहाँ बैठी अम्मी बैठी है मेरे साथ, मैं अम्मी के साथ बैठी हूँ और यहाँ बड़ा हंसी मजाक हुआ है क्योंकि जो बड़ी वाली भाभी है मेरी उन्होंने कुछ इंग्लिश में ऐसी लाइन बोली कि हम सबको काफ़ी मतलब हंसी आई इस जगह पर, है ना, बहुत हंसी आई। उसके बाद जो है ये छोटी वाली मेरी सिस्टर है सोना, उसने भी आगे फिर हमें ज्वाइन किया। और यहाँ स्टेज पर जो है अमरीन के साथ थोड़ा फोटो वगैरह लेने के लिए मैं स्टेज पर गई, तो यहाँ अब इनके फेस हाइड करने थे तो ये थोड़ी क्लिप इसी तरीके से मैंने एडिट की है, क्योंकि किस किस के फेस को हम लोग हाइड करें बड़ी दिक्कत हो जाती है ना, आप समझ सकते हैं। खैर फिर यहाँ पे ये स्टेज पे मैंने इन चारों की क्लिप एक बनाई और ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह। और फिर हो गया बस अब सब जाने का मतलब फंक्शन हम मतलब कंप्लीट हो चुका है ना। यहाँ मैं ये देख रही थी कि जैसे ही काम मतलब मेहमान सब चले गए, अब हम घर घर के फैमिली मेंबर्स ही हम बचे थे, तो डेकोरेशन वालों को मैं देख रही थी कितनी फुर्ती से वो अपने काम पे लगते हैं यहाँ दुल्हनों को खाना खिलाने ले जाते हुए। और इसके बाद बस हमारी शादी का ब्लॉग यहीं पर खत्म होता है। आप कमेंट करिए और मेरा ब्लॉग कैसा लगा जरूर बताइए।